मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, इधर देखिए, मैंने आपको सेकंड क्लास की जीके की बुक पढ़ाई थी, तो आज मैं फिर से इसका रिवीजन करवाऊंगी। तो आपको फर्स्ट चैप्टर वापस से रिवाइज करना है। चैप्टर का नाम क्या है देखिए इधर, हॉबी। हॉबी मीन्स होती है हमारी आदतें या कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे अच्छे आदतें, उसको हम बोलते हैं हॉबी। देखिए कि ऑल दी चिल्ड्रंस डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक। ऑल दी, ये सभी बच्चे क्या डिसाइड कर रहे हैं, इन्होंने क्या डिसाइड किया है? गो फॉर ए पिकनिक, पिकनिक पर जाने का डिसाइड किया है। बिकॉज, क्योंकि ए हॉबी इज व्हाट वी इंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम। जो हमारी अच्छी आदतें होती है, जो हॉबी होती है, हमें उसको फ्री टाइम में इंजॉय करना चाहिए, हमें उसके आनंद लेना चाहिए। दे कैरीड द थिंग्स नीडेड फॉर देयर हॉबीज। उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें ली है जो उनकी हॉबी है, उनकी अच्छी अच्छी आदतें हैं, उनमें काम आने वाली, आवश्यक होने वाली चीज़ें उन्होंने के साथ में रखी है। बट देयर थिंग्स गोट मिक्सअप, लेकिन उनकी जो चीज़ें थी सभी की मिक्स हो गई है। मतलब बच्चे हैं जो पिकनिक पर जा रहे हैं, जाते हैं ना पिकनिक पर, हमारे स्कूल भी जाता है पिकनिक पर, तो बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, तो उन लोगों की हॉबीज थी, किसी क्या हॉबीज होती है, किसी की डांसिंग, किसी की पेंटिंग, किसी की सिंगिंग, मतलब कोई डांस करता है, कोई गाता है, कोई पढ़ता है, कोई खेलता है, किसी को क्या टीवी देखना पसंद है, तो ये हमारी क्या होती है, हॉबीज होती है। तो सबकी अपनी अपनी हॉबीज होती है, उन सबका सामान। अब किसी को पढ़ना पसंद है तो वो क्या लेगा, वो बुक्स लेगा। किसी को डांस करना पसंद है तो वो डांस मटेरियल, जैसे डांस के लिए पैरों में घुंघरू बांधना, ये सब पसंद है। किसी को गाना गाना तो वो गाने के लिए स्पीकर वगैरह लेगा। खेलने के लिए उसको खेलने के लिए, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, उसको क्रिकेट पसंद है तो वो क्रिकेट के लिए क्या लेगा, बैट लेगा, बॉल लेगा। उसी तरह से जिसको जो पसंद है वो चीज़ें वो इकट्ठी करता है। तो जब पिकनिक पे जाते हैं तो जो हमारी हॉबी होती है उसका सामान इकट्ठा करते हैं, तो वो सामान उन बच्चों ने इकट्ठा किया ना, सब बच्चे जाते सारा सामान लेते हैं, उन्होंने एक जगह रख दिया, कहीं जाते तो एक जगह रख दिया, तो उनका सारा सामान मिक्स हो गया, सब मिल गया। अब क्या करना है, जैसे खुशी वेरवा है, उसको क्या पसंद है, उसको बुक पढ़ना पसंद है, उसने क्या ली, बुक्स ली। और अवनी है, अवनी को क्या पसंद है, उसको डांस करना पसंद है, तो उसने क्या लिया, पैरों में घुंघरू, पैरों में। दिशांत है, दिशांत को क्या पसंद है, दिशांत को खेलना पसंद है, क्या खेलता है, क्रिकेट। क्रिकेट खेलेगा तो उसको क्या पसंद है, उसको बैट बॉल चाहिए। अब उन्होंने सब ने एक जगह चीज़ें रख दी, सब मिक्स हो गई। अब वो तो कहेगा, दिशांत क्या बोलेगा, मुझे तो मेरे बैट बॉल चाहिए, ऐसे बोलेगा ना। खुशी क्या बोलेगी, मुझे तो मेरी बुक चाहिए। अवनी क्या बोलेगी, मुझे तो मेरे डांस का जो सामान है घुंघरू वगैरह वो चाहिए। सबको अलग अलग करना पड़ेगा, हमें अलग अलग करना पड़ेगा ना। तो जो अलग अलग करेंगे हम, वही इस चैप्टर में दिया गया है कि उन सबको हमें अलग अलग करके यहाँ पर बॉक्स में लिखना है। अब देखिए, कैन यू हेल्प देम टू शॉर्ट आउट देयर थिंग बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर्स इन द बॉक्स। कैन यू हेल्प, क्या आप उनकी मदद करेंगे तो शॉर्ट आउट देयर थिंग्स, उनकी शर्ट, उनकी जो चीज़ें हैं उनको मिक्सअप से अलग अलग करने में, बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर, एक जो पहला अक्षर है उसको लिखकर। आल्सो राइट देयर हॉबीज, जो नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है इनमें इनकी हॉबीज दी हुई है, तो उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सोनिया loves to experiment with colors। अब देखिए, जो सोनिया नाम की लड़की है, जो आपकी फर्स्ट सेकंड क्लास है उसमें सोनिया नाम की लड़की, जैसे मान लीजिए आप हो ना आपके सेकंड क्लास में, अर्नव मीम रोट है, उसको क्या पसंद है, उसको कलर करना पसंद है उसको, तो क्या लेगा, कलर लेगा, ब्रश लेगा, स्केच कलर लेगा, ये सभी लेगा ना। तो उसको क्या पसंद आया, पेंटिंग, तो उसकी हॉबी क्या हुई, ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, तो उसको क्या कहेंगे, पेंटिंग, क्या बने कहेंगे, पेंटिंग। अब उसको क्या चीज़ चाहिए, इधर देखिए, जो आपका एल बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिखा है वीडियो कैमरा, तो वीडियो कैमरा से पेंटिंग होती है, कलर करते हैं, नहीं, पोएम बुक,
बुक से भी नहीं होती, पेंटिंग मटेरियल, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, पेंटिंग मटेरियल, यहाँ बॉक्स में लिखेंगे हम सी। ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखेंगे सी, और जो नीचे लाइन है इसमें लिखेंगे पी ए आई एन टी आई एन जी, पेंटिंग। क्या लिखेंगे, पेंटिंग इज हर हॉबी, उसकी हॉबी क्या हुई, पेंटिंग। सोनिया की क्या हॉबी है, पेंटिंग। अब देखिए सेकंड वाला देखिए, अमन लाइक्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स। अमन को क्या पसंद है, स्टैम्प कलेक्ट करना। स्टैम्प मतलब अलग अलग चीज़ के जो स्टैम्प होते हैं, टिकट होते हैं, उनको कलेक्ट करना, उनको एक जगह करना। देखिए अमन लाइक्स टू कलेक्ट स्टाम्प्स। तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, वीडियो कैमरा नहीं, पोएम बुक नहीं, पेंटिंग मटेरियल, स्टाम्प एल्बम। क्या आएगा, स्टाम्प एल्बम, क्योंकि वो स्टाम्प कलेक्ट करा तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको स्टाम्प एल्बम चाहिए। इसमें हम लिखेंगे बॉक्स में डी। क्या लिखेंगे, डी। उसकी क्या हॉबी है, फिलेटली। फिलेटली उसकी क्या हुई, हॉबी हुई इज हिज हॉबी। क्यों जो भी उसके, फिलेटली उसकी हॉबी हुई। ओके, हमारा टू टॉपिक कंप्लीट। अब थर्ड देखेंगे हम, थर्ड है मारिया इज लर्निंग द भरतनाट्यम डांस। मारिया क्या सीख रही है, ये लड़की क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो ये क्या कर रही है, डांस, इसकी हॉबी क्या हुई, डांसिंग, डांस करना इसकी हॉबी हुई, इसकी अच्छी आदत क्या है, डांस करती है। तो उसको डांस करने के लिए क्या चाहिए, डांस मटेरियल, क्या चाहिए, डांस मटेरियल। तो इसमें कहाँ है डांस मटेरियल, देखिए ए वीडियो कैमरा, बी ए पोएम बुक, सी ए पेंटिंग मटेरियल, डी ए स्टैम्प एल्बम, ई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, एफ डांस मटेरियल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ, क्या लिखेंगे, एफ। इसकी हॉबी क्या हुई, डांसिंग। इधर देखिए मारिया इज लर्निंग द भरतनाट्यम, फैन ऑफ कर दो, भरतनाट्यम भरतनाट्यम क्या होता है, एक डांस, क्या होता है, डांस। तो उस डांस क्या है, उसका डांस है, वो डांस करती है। तो उसको क्या मटेरियल चाहिए, डांसिंग मटेरियल। तो इसके लिए कौन सा बताया था मैंने, एफ। इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, एफ। क्या हुआ, एफ। तो यहाँ जो नीचे है लाइन उसमें क्या लिखेंगे हम, डांसिंग इज हर हॉबी, हॉबी। क्या है इसकी हॉबी, डांसिंग। अब देखिए फॉर देखिए फॉर राम लव्स टू टेक द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ पीपल एंड प्लेस।
राम है उसको क्या पसंद है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, वीडियो बनाना लोगों का और चीज़ों का, जगहों का वीडियो बनाना पसंद है। जैसे कई बच्चों को होता ना फ़ोटो ले ली, किसी की भी पिक ली, कहीं पे भी गए उससे कैमरा शूट किया, वीडियो बनाया, तो ये क्या है, उसकी हॉबी है, वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी हॉबी हुई। उसको क्या चाहिए, उसके लिए कैमरा चाहिए ना वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो उसका मटेरियल क्या हुआ, वीडियो कैमरा, क्योंकि कैमरा चाहिए उसको। तो ये देखिए ए है इसका वीडियो कैमरा, क्या चाहिए उसको, वीडियो कैमरा, तो उसकी हॉबी क्या हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए फोर, राम लास टू टेक द वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ पीपल एंड प्लेसेज। क्या पसंद है फिर हमको, लोगों की और जगहों का वीडियो रिकॉर्डिंग करना पसंद है, तो उसके लिए क्या सामान चाहिए उसको, वीडियो कैमरा। तो यहाँ बॉक्स में लिखेंगे हम ए, क्या लिखेंगे ए, उसकी हॉबी क्या हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग इज हिज हॉबी। वीडियो रिकॉर्डिंग क्या हुई उसकी, हॉबी, क्या हुई, हॉबी। अब देखिए फिफ्थ, मनु लास्ट टू रीड पोएम बुक्स। मनु है उसको क्या पसंद है, पोएम बुक्स, जो कहानियों की किताबें हैं वो पढ़ना पसंद है। तो अब जब उसको कहानियों की किताबें पसंद है तो उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या सामान चाहिए, बताइए क्या चाहिए, वो क्या लेगी, जो उसका सामान अभी वो उसमें मिक्स हो गया था जब वो लोग पिकनिक पे जा रहे थे, तो उसको क्या चीज़ चाहिए, उसको क्या चाहिए, बुक चाहिए ना, पोएम बुक, तभी उसकी हॉबी पूरी होगी, तभी वो पढ़ेगी, क्योंकि उसको तो क्या पढ़ना है, बुक पढ़नी है, पोएम बुक। तो इसमें से हम ढूंढेंगे पोएम बुक बी, तो यहाँ आएगा इसका, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ लिखते हैं, मनु लव्स टू रीड पोएम बुक। क्या पसंद है उसको, पोएम बुक, इसमें क्या आएगा बी, क्या आएगा बी, उसकी क्या हॉबी, हॉबी है रीड करती है वो बुक को, पोएम बुक को, तो उसकी हॉबी क्या हुई, रीडिंग। रीडिंग इज हिज हॉबी। अब देखिए सिक्स, साक्षी लाइक्स टू सिंग,
साक्षी को क्या पसंद है? गाना गाना पसंद है। अब जब वो गाना गाती है तो उसका जो मिक्स सामान होगा उसमें क्या ढूंढना पड़ेगा? गाना गाने का सामान जो होता है, स्पीकर वगैरह, वही ढूंढना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सिंगिंग मटेरियल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में जैसे स्पीकर हुआ, ढोलक वोलक, जो भी कुछ चीज़ें हुई वही चाहिए ना उसको, वही चाहिए उसको गाना गाना। तो जैसे तबला, ढोलक, फ्लूट, ये सब चाहिए। ये क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? ई। ई क्या आएगा? ई। इसकी हॉबी क्या हुई? सिंगिंग। गाना पसंद है ना उसको, तो सिंगिंग इज हर हॉबी। सिंगिंग क्या हुई उसकी? हॉबी। आ गया समझ में सब बच्चों को? अभी देखिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट है, सोनिया लव्स टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स। सोनिया को कलर्स से प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। तो उसको क्या चीज़ें चाहिए? क्या चाहिए? पेंटिंग का सामान चाहिए, क्योंकि वो कलर करती है। तो पेंट, कलर, स्केच कलर, ये सब सामान चाहिए। उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पर सी, ये वाला। उसकी हॉबी क्या हुई? पेंटिंग, ये वाला, पी ए आई एन टी आई एन जी, पेंटिंग, वो लिखेंगे यहाँ। सेकंड देखिए, अमन लाइक्स टू कलेक्ट स्टाम्प्स। अमन को क्या पसंद है? स्टाम्प कलेक्ट करना पसंद है। तो उसको क्या चाहिए? जब वो कलेक्ट करेगा तो काहे में कलेक्ट करेगा? उसको पूरी फाइल चाहिए, पूरी बुक चाहिए, चाहिए ना। इसलिए उसको क्या चाहिए? एक एल्बम चाहिए, स्टाम्प एल्बम। वो कहाँ है? डी पर। तो यहाँ लिखेंगे हम डी। इसकी हॉबी क्या होगी? फिलेटली, उसकी हॉबी हुई। थ्री है, मारिया इज लर्निंग द भरतनाट्यम डांस। मारिया क्या कर रही है? भरतनाट्यम डांस सीख रही है। तो उसको क्या चाहिए? डांस का सामान चाहिए। और डांस करेगी तो डांस का सामान चाहिए ना। तो यहाँ पर है डांस मटेरियल, एफ पर। तो यहाँ लिखेंगे एफ, उसकी हॉबी क्या हुई? डांसिंग। डांस करती है तो डांसिंग उसकी हॉबी हो गई, इसलिए यहाँ लिखेंगे डांसिंग। राम लव्स टू टेक ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ पीपल एंड प्लेस। राम को वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद है। किसका? लोगों का और जगहों का। तो उसको क्या चाहिए? वीडियो कैमरा, तभी तो रिकॉर्डिंग करेगा वो, तभी करेगा ना। तो वहाँ ये क्या हुआ? ए। और इसकी क्या हॉबी है? वीडियो रिकॉर्डिंग। मनु लव्स टू रीड पोएम्स। मनु को क्या पसंद है? पोएम बुक्स पढ़ना पसंद है। तो उसको क्या चाहिए? पोएम बुक बी। उसकी हॉबी क्या हुई? रीडिंग। साक्षी लाइक्स टू सिंग। साक्षी को क्या पसंद है? गाना गाना। तो उसको क्या चाहिए? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ई। उसकी हॉबी क्या हुई? सिंगिंग। ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अब एस डब्ल्यू नोट कीजिए। आपकी जो कॉपियां हैं उनमें से एक कॉपी आप फेयर जीके की, जो फोर लाइनों वाली कॉपी है, वो जीके की बनाएंगे। उसमें ये वर्क करेंगे आप सुंदर सुंदर राइटिंग में। ओके, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ओके, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। गुड बाय।